उन्होंने जिहड़ी भोग दियां अंतिम अरदास दियां रस्में उन्हां विच शामिल होने लई मेरे नाल विधानसभा के स्पीकर साहब राणा केपी जी ते इस हल्के दे एमएलए ते पंजाब दे वजीर सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ऐसी परिवार दे नाल उन्हां दे नाल बैठ के परिवार का दुख मनाउण वास्ते आए। बहुत बड़ा दुख परिवार नूं पिया है। अजे एक बच्चा 4 साल का है तो एक बच्चा बिल्कुल 40 दिन का है। सो ये जिहड़ी कुरबानी इस शहीद ने की है इनू बड़े लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो पंजाब सरकार शहीद परिवार के नाल खड़ी है। परिवार को हालांकि ऐसी उस दलेर नौजवान को मोड़ के नहीं लिया सकते, लेकिन परिवार उन्हां दी जिहड़ी वाइफ है उस कुड़ी बड़ी अजे छोटी उम्र विच है उसनू सरकार वालों नौकरी दिती जाएगी। परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दिती जाएगी। एक उन्हां दी माता जी ने मैं दस्या है कि बहुत ही अच्छे फुटबॉल के प्लेयर सी, वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं। फुटबॉल का स्टेडियम इस पिंड दे विच शहीद मनदीप सिंह बाजवा जी के नाम से असी बनावांगे। इस तो अलावा इत्थे एक उन्हां दी नाम से शहीदी गेट बनाया जाएगा ते 10 लाख रुपया असी उस शहीदी गेट वास्ते मंजूर कर दिता है। अज इत्थे दी पंचायत नूं दवांगे, वह बनाउणगे। इस तो अलावा स्टेडियम भी उन्हां दी याद दे विच बनाया जाएगा, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिहड़ा फौज च भर्ती हुंदा है वो अपनी जान तली ते रख के भर्ती हुंदा है। ईमानदारी दे नाल नौकरी करन वाला योग जज्बे वाला नौजवान ही फौज विच जांदा है। मैं समूह फौजियां दी कदर करदा, उन्हां नूं नमन करदा कि वो जिस तरीके दे नाल साडे देश दी एकता अखंडता रखण वास्ते, देश दी आजादी नूं बहार रखण वास्ते सरहदां ते लड़ रहे, उस लई मेरा उन्हां नूं नमन है, नमस्कार है, सलूट है। और हमेशा ऐसी अपने उन्हां फौजी जिहड़े साडे उत्थे साडी हिफाजत कर रहे, देश दी एकता अखंडता नूं कायम रख रहे, उन्हां दे परिवारां दे नाल खड़े हैं ते खड़े रहांगे। धन्यवाद सर। उन्होंने सानूं बहुत हौसला दिता है ते चलो जो भी परमात्मा नूं मंजूर सी ओह होया। मनदीप सिंह बहादुर सी, देश की राखी करदे शहीद होए ने, सानूं बहुत ही माण है। तो मैं चाहनी हाँ कि मेरे 2 बेटे ने वह भी अपने पिता वांग देश की राखी करनगे, देश का नाम रोशन करनगे। हाँ जी, उन्होंने सारी रिस्पोंसिबिलिटी ली हुई है मेरे बच्चों की। तो जो भी उन्होंने स्टडी कंप्लीट होएगी, मैं उन्होंने डिमांड रखी है कि मेरे बेटे जो भी 18 साल के होंगे वो अपने पिता वांग देश की राखी करनगे। सीएम साहब परिवार ने अफसोस करना यही, वो परिवार को हर कदम कहते अं ते नाल खड़े हैं। उन्होंने सानू कहा भी मैनू एक बार परसनली भी आके मिलो, बाकी वो इन्होंने बच्चों के जो भी 18 साल के होंगे उन्होंने पूरी की पूरी मदद दी जाऊगी। बाकी स्पोर्ट्समैन के तौर पर वो नाँ तो स्टेडियम का करके गए हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, वह 5 लाख का चैक उन्होंने देता, बाकी थोड़े प्रोटोकॉल पूरे होने तो बाद उन्हों का आ जाएगा जी। बहुत हौसला दिता है ते साडा पुत देश वास्ते बहुत दलेर सी, जान वार के गया, सानू हौसला दे के गए। और मुख्यमंत्री ने ताडी की गल होई, कोई डिमांड कीती सी तुसीं, स्टेडियम बनाने दी मांग रखी सी? हाँ जी, मांग रखी सी। हाँ जी, फुटबॉल दे प्लेयर आ ते उन्हें शौक बड़ा सी, उहदे नां दा स्टेडियम बने ते एक स्कूल उहदे नाम दा बन गया। अज असी शहीद नायक मनदीप सिंह बाजवा जी जिहड़े पिछले दिनां दे विच जम्मू कश्मीर शहीद हो गए है, उहनां दे घर विखे उहनां दे जिहड़ी भोग दियां अंतिम अरदास दियां रस्में उहनां विच शामिल होने लई मेरे नाल विधानसभा दे स्पीकर साहब राणा केपी जी ते इस हल्के दे एमएलए। अज असी शहीद नायक मनदीप सिंह बाजवा जी
जेडे पिछले दिनों दे विच जम्मू कश्मीर शहीद हो गए है उन्होंने घर विखे उन्होंने जिहड़ी भोग दियां अंतम अरदास दियां रस्में उन्हां विच शामिल होण लई मेरे नाल विधानसभा के स्पीकर साहब राणा के पी जी ते इस हल्के दे एम एल ए ते पंजाब दे वजीर सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी।